भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर व एक्टर रितेश पांडे और खेसारी लाल यादव को कौन नहीं जानता, हर कोई इन दोनों को बेहद पसंद करते हैं और इनके गाने को भी देते हैं ढेरों प्यार। रितेश पांडे का गोरी तोड़ चुनरी 2 और खेसारी लाल यादव का लहंगा लखनउआ के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जिससे कि अभी तक किसी ने न तो सुना होगा और न ही देखा होगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज हम बात करते हैं इन्हीं गाने के बारे में जिसे दोनों सिंगर ने ही गाया है। जैसा कि आप सभी YouTube चैनल पर हो रहे वायरल वीडियो को तो देखा ही होगा। आपको बता दें कि रितेश पांडे की नई सॉन्ग गोरी तोर चुनरी 2 और खेसारी लाल यादव का नया सॉन्ग लहंगा लखनऊआ का वीडियो इन दिनों बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि अब तक का सबसे लोकप्रिय सॉन्ग बन चुका है और हर किसी के जुबान पर बस एक ही गाना सुनने को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी देख ही चुके होंगे कि किस तरह इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर गाने चुराने का आरोप लगा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियो YouTube पर जारी कर दी गई हैं। जी हाँ, आज हम जिस खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इसी से रिलेटेड न्यूज है। आपको बता दें कि भोजपुरी फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी और बुरी खबर निकल कर सामने आ रही है और वो है कॉपीराइट का न्यूज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, दोनों के ऑफिशियल चैनल ने एक दूसरे के वीडियो सॉन्ग पर कॉपीराइट मार दिया है। इससे दोनों का वीडियो सॉन्ग अब YouTube पर अनअवेलेबल वीडियो आ रहा है, जिसे देख भोजपुरी फैंस काफी नाराज हो गए हैं। अब आगे देखा जाए कि होता क्या है, क्या एक्शन लेते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।